ओम शांति। 4 अगस्त 2020 साकार बाप दादा की मुरली है। मीठा मीठा बाबा कहती, मीठी बच्ची अकाल मूरत बाप का बोलता चालता तख्त ये ब्रह्मा है। जब ये ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते। जब ये आते हैं तब रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति समझा सकते? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वे ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वे कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेस्वार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। जो घोड़ेस्वार हैं, जो प्यादे हैं, वे तो मूंझ जाएंगे। गीत चला, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं, एक की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन करते, जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते। ब्राह्मणों के सिवाय ब्रह्मा को भी कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, समझाना चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं तो सही ना। पहली बात, ब्रह्मा ब्राह्मण हैं तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदिदेव ब्रह्मा वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को देवता
नहीं कहेंगे, ये भी रॉन्ग है। ब्रह्मा को देवता कहना भी बाबा क्या कहते रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, वह भी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है भी है ही वे जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था, राजा बना था नहीं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ये ब्रह्मा बनने वाली आत्मा वो है जो कृष्ण प्रिंस बना था, और मुरली याद करनी है जिसमें बाबा ने कहा विष्णु सो श्री कृष्ण। कितना गुह्य राज बाबा स्पष्ट करते हैं, विष्णु सो श्री कृष्ण। चौरासी जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, करने से ही इनका नाम ब्रह्मा रख देते। जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं तो इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु का रूप है, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। चौरासी जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, ये शरीर रथ सब आत्माओं को मिला, सब आत्माओं के पास रथ है ना, शरीर है ना। अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है ये, सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया अकाल तख्त। अकाल मूरत आत्मा का तख्त, उसको फिर अकाल तख्त कह देते हैं। ये तो अकाल तख्त सब हैं, आत्माएं सब अकाल मूरत हैं, ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, बैठकर बाबा क्या करते हैं नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी नहीं, या जानी जानर नहीं, जानी जानन आर नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है।
जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है, नॉलेजफुल का अर्थ दूसरा है, अलग है। मनुष्य तो सब को मिला कर जो आता है सो कहते कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। ऊंच वो लोग देवता हुए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं, तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, पूजा भी नहीं करते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनते बनना है, जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, मुझ एक को याद करो, अर्थात मुझ एक का कहना मानो। मैं जरूर किसी में तो आऊंगा, किसी में तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए, जिसमें आऊंगा उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूं, ध्यान देना है, नोट करना, रचता हूं। जब वो है तो उसको रचना क्या, जब वो ऑलरेडी उसका नाम है, शरीर है, फिर उसे रचना क्या। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए, बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए, चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वे पता नहीं, वे पता नहीं। अब तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वे जो ब्रह्मा की संतान हो, वे तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं कि ब्रह्मा का धंधा क्या है, वो ब्रह्मा की औलाद कैसे,
जो अपने बाप का धंधा ना जाने, जो अपने बाप को ना जाने, भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच ते ऊंच कुल। वे ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। परंतु कैसे, कब, किसने निकाला, वो वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजा पिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को की भी डिनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है डिनेस्टी। तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनेस्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वे जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग हैं। राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज है नहीं, बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत थे, भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज, कोई ताज नहीं। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा करने वाला होगा वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है। विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना, हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ। सौकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और सौकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण के बाप जो राजा हो या था या होगा, उसका कोई नाम नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। वो सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वे ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है, पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से
ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसी को पता ही नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहां से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंचा हो जाता है। ये हैं डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने की अक्ल नहीं चाहिए, ब्रह्मा पर भी समझाने की अक्ल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है, तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वे पहले जाएंगे, नंबर वार तो आते हैं, पहले 100 नंबर वाले, फिर 90 वाले, फिर 80 वाले, फिर 60 वाले, नंबर वार तो आएंगे ना। ये बड़ी महीन बातें हैं, कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके। नंबर वार जाते हैं, तुम ट्रांसफर होते हो नंबर वार, यहाँ से भी जाएंगे नंबर वार, वहाँ से भी आएंगे नंबर वार, जैसे जाएंगे वैसे आएंगे, जिस नंबर का बनाकर जाएंगे उस नंबर पर ही नीचे उतरेंगे। परम धाम में जाकर, परम अवस्था में जाकर नंबर ऊपर नीचे नहीं होते, क्योंकि वहाँ संकल्प भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। ये बात याद रखनी है, परम धाम में आकाश भी नहीं है, पांचों तत्व में से कोई सा भी तत्व नहीं है। इस बात को बैठ कर सोचो, कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं है, वो है परम अवस्था, आत्मा की परम अवस्था। कितनी बड़ी क्यू है, लाइन है, जो पिछाड़ी में आएंगे। नंबर वार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे, सबका स्थान फिक्स। ड्रामा फिक्स है, ये बड़ा वंडरफुल किया, परंतु कोई समझते नहीं, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, यहां सब एक दो को दुख देते रहते हैं, वहां तो नेचुरल सुख है, यहां है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, यहां है काक विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे,
ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है, जो आपने पाप कर्म किया था उसका परिणाम है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुक करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचड़ा खाकर चुक तू करना पड़ेगा। मोचड़ा और मानी तो अच्छा नहीं, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं, आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में ये होता ही, ये बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए महल बनाने पड़ेंगे। शब्द ध्यान देना, महल बनाने पड़ेंगे, कोई बना के नहीं रखेगा। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वे तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते वही बनाएंगे। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वे फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूं, आगे की बात पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से ही बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं, ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। क्या होता है कम जास्ती? याद, धारणा, याद की यात्रा। ज्ञान तो एक जैसा ही है, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती। ज्ञान जो मिला है सो है ही, अब उस याद की यात्रा तेज या याद की यात्रा धीमी होती रहती है। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से
तुम सेफ्टी में रहेंगे। दे अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बातें नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं लिख सकते। ज्ञान के लिए दो बातें, ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति, या फिर ज्ञान के लिए कहते कि भगवान का ज्ञान इतना ज्यादा है जो सात समुद्र की साई करो, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी भगवान के ज्ञान को लिख नहीं सकते। या तो सिर्फ कहते हैं अल्लाह को याद करो, बस। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ा ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है। सिविल वार, भारत में क्या होता है सिविल वार, गृह युद्ध, आपस में लड़ भिड़ कर मरेंगे, खून की नदियां बहेंगी, गाया हुआ है। यहां महामारी होती है, मारा मारी एकदम चारों तरफ मार काट होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। अभी केस करते रहते हैं, फिर लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, धनी धोरी तो उनका कोई है नहीं। तुम हो धनी के, तुम्हारा बाप है, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है, सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी, कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिलें कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसे करो, ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए और तुम काला मुंह,
कैसे करते हो? फल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, यदि मुंह काला करते रहेंगे। भल आप स्वर्ग में आएंगे, पतु पद तो पाई पैसे का पाएंगे ना। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में गद्दी पर हो, बाप गद्दी पर हो, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहिक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है। सन्यासी भी किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। वरदान है आज का, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, सलाह ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। कौन सा मंत्र लेना है? स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं।
तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति।